आज हम आपको कुछ नई जानकारी देंगे कि बहुत से फार्मर चाहते हैं कि हम नया फार्म करें, लेकिन उनको सही से पता नहीं है कि नए फार्म करने में क्या खर्चा आता है या 1000 चूजे पालने में कितना खर्चा आता है। पुरानी वीडियो आपने काफ़ी देखी होंगी, लेकिन वो पहले की वीडियो है, उसमें खर्चा अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो आज का खर्चा उनसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले दाना सस्ता था, चूजे सस्ते थे, लेकिन आज के टाइम में सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है और महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आज हम आपको 1000 चूजों का रियल जो खर्चा आ रहा है फ़िलहाल में वो बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, करते हैं हम 1000 चूजों के बारे में आज बात कि 1000 चूजे पालने में हमें टोटल खर्चा कितना आता है, हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी होती है। हमने काफ़ी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें खर्चे दिखाए गए हैं, वो उस टाइम के हिसाब से ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं चूजे के रेट की। तो जस्ट में चूजे के रेट जो चल रहे हैं वो 40 से 45 रुपए चूजा चल रहा है, और आज का रेट 40 का रेट है, तो हम आज के हिसाब से ही लेकर के चलेंगे। अगर आप आज चूजे 1000 चूजे लेते हो तो वो आपको 40,000 रुपए के मिलते हैं। बात करते हैं फीड की। तो फीड जो पहले चलती थी 1700-1800 का बैग, आज का उसका रेट काफ़ी महंगा हो चुका है, और आज अगर हम एक 50 किलो के बैग की बात करते हैं फीड की, तो वो 2150 रुपए के हिसाब से कम मिलता है। इसमें हम दाना मीडियम लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्री स्टार्टर महंगा होता है, फिर स्टार्टर उससे थोड़ा सस्ता होता है, और फिनिशर उससे थोड़ा सस्ता होता है, तो हम तीनों का लगभग कॉम्बिनेशन करके तब बीच का रेट ले करके चल रहे हैं। तो हम मानते हैं कि 1000 चूजों में हमें कम से कम 2 किलो वेट गेन कराने में 3 किलो फीड लगेगी, तो उसके हिसाब से हमें 1000 चूजों में 2 किलो वेट लाने पर 60 बैग लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हम बढ़िया दाने की FCR 1.5 मानकर चलते हैं। मौसम के हिसाब से कम भी हो सकती है, 1.45 के आसपास तक भी आ जाती है FCR, और फालतू भी जा सकती है कि 1.55 भी चली जाए। अगर ये तब है तब आपकी फीड बहुत अच्छी होगी, वरना घटिया फीड से तो ये 1.76 तक भी पहुँच जाती है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की। तो एक्स्ट्रा खर्चे जिसमें आते हैं वैक्सीनेशन और दवाइयों का खर्चा। वैक्सीनेशन हमें करनी ही करनी होती है, और छोटी मोटी दवाइयाँ या विटामिन हमें लगानी होते हैं, तो उनका खर्चा हम 2000 रुपये मानकर चलते हैं 1000 चूजों पर। और बात करें एक्स्ट्रा खर्चों की, तो जिसमें लाइट है, भूसी है, या रेत जो भी आप फार्म में डालते हैं, या इसके अलावा गुड़ मिठाई का खर्चा है, अखबार का खर्चा है, तो उसका भी हम जोड़ करके लाइट बिजली सब का जोड़ करके इसको मानते 3000 रुपये। तो इस हिसाब से हमारे 40,000 के चूजे, 130,000 रुपये का फीड और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इसमें हमें 1000 बच्चों को 2 किलो वेट तक लाने के लिए 175,000 रुपये के लगभग का खर्चा हो जाता है। तब हम मान सकते हैं कि 2 किलो का चूजा हमें 175 रुपये में तैयार हो जाता है। इसमें 5 रुपये हम कम या ज़्यादा मान सकते हैं, कि 5 रुपये ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर बच्चा में कोई रोग या बीमारी आ जाती है, और बहुत अच्छा अगर आप अच्छे से देखभाल करते हो और FCR आपकी कम हो जाती है, तो 170 रुपये के आसपास भी तैयार हो जाता है। तो आप इसको 175 के करीब मानकर चल सकते हैं। अब रही मंडी की बात, तो वो भी हम आज के हिसाब से अगर रेट जोड़ रहे हैं तो हम आज के हिसाब से मंडी की बात करते हैं। फिलहाल में मंडी का रेट कुछ कम हो गया है, पहले काफ़ी हाई था, 130 रुपये किलो तक आराम से, 40 रुपये किलो तक भी पहुंचा हुआ है, तो आज का रेट है 110 रुपये किलो का। तो आप ये मान के चले कि आपने 175 रुपये में चूजा तैयार किया, और 110 रुपये किलो पर किलो के हिसाब से 220 रुपये का हो गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा 175 रुपये का खर्चा आया और 220 रुपये का हमारा चूजा बिका, जिसमें हम और भी अगर खर्चा एक्स्ट्रा मान के चलते तो हम मान लेते इसको अपना 180 रुपये में हमारा तैयार हुआ और हमारा 220 में बिक गया, तो हमें 40 रुपये पर चूजा तब भी प्रॉफिट होता है अगर हम आज के हिसाब से लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें 1000 चूजों पे 40,000 रुपये आराम से बच जाते हैं। यही बात अगर हम इसको हाई स्केल पे करें, तो अगर यही हमारे पास 10,000 चूजे होते तो हमें 4 लाख रुपये आराम से बच जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखें आप कि जब आप बड़ा फार्म करते हैं तो उसमें लॉस जाने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है, प्रॉफिट की कम, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं, हमें लेबर भी लगानी पड़ती है, क्योंकि 10,000 चूजों का हम नहीं खुद से नहीं कर पाते हैं, तो हमें लेबर भी लगानी होती है, और फार्म भी हो सकता है हमारे पास ना हो तो हम फार्म भी किराए पर लेते हैं, तो इसलिए उसका खर्चा ज़्यादा होता है, उसमें बचत कम आती है, उसमें हम एक्स्ट्रा खर्चे में 10 रुपये और जोड़ कर चलते हैं, जहाँ हमें अब 4 लाख बच रहे हैं। अगर हम खुद से करते हैं तो हमें 4 लाख बचते हैं, और हम यही काम लेबर से या फार्म किराए पर लेकर करते हैं तो हमें 1 लाख रुपये कम की बचत आती है। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें।